वेलकम बैक एवन एजुकेशन अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट हाउस वी लिव इन। दिस इज आवर सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो आल्सो स्टडी हाउस वी लिव इन। टुडे टॉपिक टाइप्स ऑफ हाउस। ओके स्टूडेंट्स, रेडी फॉर दिस? ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 20। ओपन योर बुक पेज नंबर 20, क्लास सेकंड, चैप्टर नंबर 5 एंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अ हाउस। ओके बेटा, खोलिए अपनी बुक पेज नंबर 20। कल हमने टाइप्स ऑफ हाउस के दो टाइप हमने पढ़े थे, टू टाइप्स हमने कल स्टडी कर लिए थे। वन इज हट एंड सेकंड इज बंगलो। हमने दो टाइप हमने कल पढ़े थे, एक हट और एक बंगलो। अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है टेंट। तो टेंट क्या होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि टेंट शादी गांव में, टेंट शादियों का सीजन होता है तो टेंट लगता है, ठीक है ना। लेकिन वो एक अस्थाई होता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि हमेशा ही टेंट लगा के रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे प्लेटफॉर्म के आसपास में होते हैं और जो खुले रेगिस्तानों में रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, टेंट लगाते हैं। और दूसरा जो क्या होता है, जो सैनिक है, वो सैनिक जैसे हमारी सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो ड्यूटी होती है तो 1 मंथ कहीं होती है, 2 मंथ कहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, एक टेंट लगाते हैं और उस टेंट में ही स्टे करते हैं, रुकते हैं। तो आओ हम रीड करते हैं आज टेंट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, ए टेंट इज मेड ऑफ कैनवास यानी क्लॉथ। एक कपड़ा होता है जो वाटरप्रूफ होता है, अगर बरसात आती है तो वो अंदर पानी उसके नहीं जाता है, ठीक है ना। इट इज ए टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई मीन्स कि वो फिक्स नहीं होता है कि हमेशा वही रहेगा। जैसे हमारा हाउस है जो पक्का हाउस है, जो ब्रिक्स है, सीमेंट है, इनसे बना होता है, तो ये नहीं है कि आज ये यहाँ है तो कल तुड़वा दिया और दूसरी जगह बनवा लिया, ऐसा नहीं होता है। बट टेंट का होता है कि आज हमने 10 दिन यहाँ टेंट लगाया है, 10 दिन आज हम दूसरे शहर में चले जाते हैं तो हम वहाँ भी टेंट लगा के रहते हैं, तो वो टेंट क्या होता है, टेम्परेरी हाउस होता है। तो ये कौन से, किसका एग्जाम्पल है, टेम्परेरी हाउस का एग्जाम्पल है टेंट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ सोल्जर्स एंड माउंटेनर्स हु गो कैंपिंग में टेंट। देखो सोल्जर्स सैनिक और जो माउंटेनर्स जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे घूमते हैं, वो लोग हमेशा टेंट बनाकर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे घर नहीं होते हैं कि वो रेंट लेकर रह ले, तो वो क्या करते हैं, वो अपने खाने पीने का सामान प्लस टेंट अपने साथ लेकर जाते हैं और जहाँ उनको स्टे करना होता है, जहाँ उनको रुकना होता है, जहाँ उनको रहना होता है, वो एक टेम्परेरी टेंट लगाते हैं और उसमें ही स्टे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कारवान। एक कारवान इसे हाउस ऑन व्हील्स, व्हील्स होता है पहिए। व्हील क्या होते हैं, पहिए होते हैं, ठीक है ना, जैसे साइकिल के पहिए, तो व्हील किसको बोलते हैं, पहियों को बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इस घर को पहिए लगाकर बनाया जाता है, मतलब नीचे एक लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं और उस घर को हम एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें व्हील लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, ठीक है। डेजर्ट ट्रेवलर्स एंड नोमेडिक पीपल यूजली ट्रेवल इन कारवान्स। जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट क्या होते हैं, जो रेगिस्तानों में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ही घर बनाते हैं और उसको मूव कर सकते हैं। अगर उनको 10 दिन यहाँ रहना है तो आप उस गाड़ी को उठा के वहाँ ले आते हैं, उस घर को उठा के वहाँ ले आते हैं और अनदर जगह पर भी वो लेके जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, बोट जो होती है, नाव जो होती है, उसके ऊपर घर बनाया जाता है, वो होती है हाउस बोट। देखिए, ए हाउस बोट इज ए हाउस ओन ए बोट। हाउस बोट, हाउस सॉरी बोट के ऊपर ही हाउस बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हाउस बोट। इट इज ए फ्लोटिंग हाउस। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ होता है, फ्लोट मतलब तैरना, तो तैरता हुआ घर है, ठीक है। यू कैन सी हाउस बोट्स इन द लेक्स ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर एक जगह है, एक सिटी है,
वहाँ पे हम लेक होते हैं झरने, लेक के होते हैं झरने, तो उस जगह में हम हाउस बोट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है स्टिल हाउस। नेक्स्ट क्या है? स्टिल हाउस। ए स्टिल हाउस इज ए हाउस मेड ऑन वुडन वॉल्स कार्ड स्टिल्स। स्टिल हाउस वो होते हैं जो लकड़ी के खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जो लकड़ी होती है, लकड़ी जो होती है जिसको हम बांस बोलते हैं और अपने मारवाड़ी लैंग्वेज में उसको बली बोलते हैं, तो वो लकड़ी नीचे लगा के उसके ऊपर मकान बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं। देखो ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है ना, पानी के अंदर लकड़ी लगी हुई है उसके ऊपर घर बनाया हुआ है। ठीक है, सच हाउस आर मेड इन प्लेस वेयर इट रेन्स हैवी। ये मकान, ये घर वहां बनाया जाता है जहां पे बहुत तेज बरसात होती है, बाढ़ आती है, तो वो लकड़ियों के ऊपर बना लिया जाता है ताकि बरसात का जो पानी है वो नीचे से निकलता रहे, घर के अंदर ना घुसे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू होता है वो बर्फ से बनता है, इग्लू बर्फ से बनता है। देखो, एन इग्लू इज ए हाउस मेड विद ब्लॉक्स ऑफ स्नो। स्नो होता है, बर्फ होती है, जो बरसात की वो जो ठंडा, जहाँ शिमला है आप इधर जाओगे तो बरसात में वो बर्फ गिरती रहती है। ठीक है ना, तो उसके उसके ब्लॉक बना के उससे ये घर बनाया जाता है। द पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड इनुइट्स ऑफ एस्किमोस। एस्किमोस लोग होते हैं वो वहां पर रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, फर्स्ट वीडियो हमने आपको सेंड किया था, आई होप आपने पढ़ा होगा। ये अपना सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो में हमने हाउस टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है रिमेंबर, तो हम थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं ताकि आपने फर्स्ट वीडियो दो दिन पहले देखा होगा ना तो आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो हम रिमेंबर करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। देखिए, हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन कोल्ड हीट डस्ट थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित करता है किस किस चीज से? बरसात से, सर्दी से, गर्मी से, तेज हवाओं से, चोरों से। ठीक है, तो ये हमें हाउस हमारा प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करता है, हमें सेफ रखता है। फिर है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस आर हट, बंगलो, टैंक, कार्बन हाउस बोट, स्टील हाउस एंड इग्लोस। तो जो आज हमने पढ़ा है ये अलग अलग प्रकार के हाउस के टाइप्स है। तो आपका चैप्टर नंबर है इसमें आपका 4। चैप्टर नंबर है आपका 4 ही है आपका, आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर का हम वीडियो नहीं भेजेंगे, क्वेश्चन आंसर को इसमें फिल करके आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल दूंगी, आपको देखकर उससे होमवर्क करना है। और बेटा प्लीज अपनी नोट होमवर्क करके अपनी नोटबुक स्कूल में चेक जरूर करवाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज आवर होमवर्क इज दिस चैप्टर रीड 5 टाइम। 5 टाइम आपको ये चैप्टर रीड करना है।